प्याला अपने हाथों में लिए हुई भगवती संध्या का शनई शनई आगमन धराधाम पर समस्त मानव जीव मात्र के लिए निद्रा के बसीभूत करने के हेतु हो रहा है। आदेश मिला कुमार राम और लक्ष्मण संध्या का सुंदर समय है, ये निकल न जाए, समय के रहते संध्योपासन कर ली जाए। क्यों? क्योंकि संसार में पूजा और अर्चना तो समस्त देवी देवताओं की जाती है, प्रत्येक जनमानस के द्वारा की जाती है। जब भी मन हो तब कर सकते हैं, लेकिन संध्योपासन एक ऐसी क्रिया है, ऐसी पूजा है, ऐसी आराधना है, यदि समय है और समय पर की जाए तो फल देने वाली है। समय आया नहीं है, हमने पूजा कर ली, संध्योपासन कर लिया, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। समय निकल गया तदुपरांत यदि हमने संध्योपासन किया तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। समय निर्धारित कर दिया गया। किसी ने पूछा संध्या क्या है, संध्या किसे कहते हैं, संध्या किम? उत्तर मिला सम्यक प्रकारेण, आत्मानं परमात्मानं ध्यायन्ते योगिनां यस्यां स संध्या। जिसमें योगी लोग अपनी आत्मा में उस परमात्मा का ध्यान करते हो, ऐसे सुंदर समय को हम संध्या कहते हैं। कहा संध्या तीन प्रकार की, प्रातःकालीन संध्या, मध्यान्हकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या, ये तीन काल की है। यद्यपि चौथे प्रकार की भी संध्या है, तुरीय संध्या जिसको कहते हैं, जो अर्धरात्रि काल में की जाती है, लेकिन प्रचलित ये तीन है। और तीनों का फल क्या है? फल ये है, यदि हमने रात्रिकालीन बेला में अनजाने से जो पाप हो गए हैं जीव मात्र से, वो प्रातःकालीन संध्या यदि हमारे द्वारा कर ली जाए तो रात्रिकालीन जनित जो पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और सायंकालीन संध्या तो कहा प्रातः काल से लेकर के उस सायंकालीन तक जो हमारे इस शरीर से अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों की निवृत्ति के लिए शमन हेतु हम संध्योपासन करते हैं। बात समझ में आ गई? रात्रि के पाप प्रातःकालीन संध्या से और दिन के पाप सायंकालीन संध्या से समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मध्यान्हकालीन हम क्यों करते हैं? प्रश्न तो बना है, भले आज के पहले ना बना हो लेकिन आज तो बना है, तो फिर मध्यान्हकालीन संध्या का क्या औचित्य है? जब प्रातः काल से लेकर के सायंकाल के जो पाप है उन सब की निवृत्ति सायंकालीन संध्या और रात्रिकालीन पापों की निवृत्ति प्रातःकालीन संध्या से हो जाती है, तो मध्यान्हकालीन संध्या क्यों की जाती है? तो संक्षेप में हम बता दें, क्योंकि इतना समय नहीं है, बता रहे हैं मध्यान्हकाल और हो रहा है अर्धरात्रि काल। तो मध्यान्हकाल की संध्या केवल हम इसलिए करते हैं यदि कहीं दूषित अन्न हमारे शरीर में पहुंच गया है, क्योंकि दोपहर की बेला में ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, नियम यही है। अब तो कोई नियम ही नहीं है, लोग खड़े होकर के चौराहे पर भोजन कर लेते हैं। तो जो दूषित अन्न है यदि वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, हमारे द्वारा उसको भोजन के रूप में ले लिया गया, तो कहीं ना कहीं वो दूषित अन्न हमारी बुद्धि को दूषित अवश्य करेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बुद्धि क्यों बिगड़ती है? तो उत्तर दिया हमारे विद्वानों ने कि दूषित भोजन करने से बुद्धि बिगड़ती है। लोग कहते भी हैं, देहात में कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वो वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो उस भोजन के दोष को समन करने के हेतु
हम मध्यान्ह काल की संध्या करते हैं। जिन लोगों ने संध्योपासन की होगी तो उनको इस बात का अवश्य, क्योंकि जो उसमें आचमन किया जाता है उसमें भोजन की शुद्धि का ही मंत्र बोला जाता है। अब हम संध्याकालीन संध्या करने के लिए प्रस्तुत हुए, हम कैसे जानेंगे कि ये संध्या का समय हो गया है? तो बताया, अहो रात्रस्या संधि सूर नक्षत्र वर्जिता साधु संध्या समाख्याता मुनभी तत्व दर्शवी। सायंकालीन संध्या नक्षत्र मानत तारे, तारे निकले ना हो चंद्रमा के साथ में और सूर्य अस्त भी ना हुआ हो, ऐसे सुंदर समय में हम संध्या सायंकालीन संध्या को करने के लिए प्रस्तुत होते, वही समय है। तो प्रभु ने बताया, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं संध्योपासन से उनसे मुक्ति मिल जाती है। संध्योपासन में और क्या होता है? तो कहा भजन होता है, अपने इष्ट का आराधन होता है, अपने इष्ट का भजन होता है। ये भी बताते चले, भजन किसे कहते हैं? भजन, देखो भजन का मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर में बैठ जाएं और माला लेकर के घुमाएं तो केवल माला का जपना भी भजन नहीं कहता। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दे, नहीं लोग सुबह ये कहे लक्ष्मण कह रहा था कि माला घुमाने का मतलब भजन नहीं है। हमारा शब्द है केवल माला घुमाना, कि हम माला लेकर के बैठे तो केवल लगा हुआ है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे। केवल माला लेकर के भजन नहीं कहता है। मंदिर में हम जाएं, यदि हमारे इस शरीर से कोई भी सेवा यदि मंदिर में हो जाए तो वो भी भजन में जुड़ जाती है, क्योंकि भज सेवायाम धातु से निर्मित है भजन शब्द। भज एक धातु है, वो सेवायाम के अर्थ में, सेवा के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। तो कोई भी सेवा, हम अपने से बड़ों की सेवा कर ले ये भी भजन है, हम माता पिता की सेवा कर ले ये भी एक प्रकार का भजन है, हम किसी देवालय में जाकर के देवालय की सेवा कर दें ये भी किसी प्रकार का एक भजन है, हम माला लेकर के बैठ जाएं भगवान के सामने वो भी एक प्रकार का भजन है, ये भजन के प्रकार हैं। तो भजन करना चाहिए। अब भजन क्यों करना चाहिए? तो हमारे विद्वानों ने बताया, भजन हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। जो भजन होता है वो आत्मबल को बढ़ाता है और हमारे जो कुत्सित कर्म है उन सारे कर्मों को क्षय कर देता है और पुण्यों को बढ़ाता है। इसलिए भजन करना चाहिए। या ये मान लें, इस संसार में जो भी हम कर रहे हैं ये साथ जाने वाला नहीं है। हम कितना भी पैसा कमा लें साथ नहीं जाएगा, हम कितने भी भवन बनवा लें साथ नहीं जाएगा, साथ क्या जाएगा? तो बताया, साथ तो केवल जो भजन किया है, जो तुमने धर्म किया है वही केवल साथ जाएगा। संसार का साथ कहां तक है? तो किसी कवि ने कहा है, क्या कहा? हेलो, हाँ, हमारे चल रहे लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर, आप लक्ष्मण की भूमिका में देख रहे हैं, हमारे पंडित श्री गोविंद महाराज, पंडित श्री गोविंद महाराज जो महानगर कानपुर से पधारे हैं, बहुत अच्छे लक्ष्मण अभिनेता है जिन्होंने बुंदेलखंड में आकर अपना एक स्थान बनाया है। इसी पर प्रसन्न होकर 51 रुपया देवेंद्र कुमार ग्राम प्रधान खेड़ा शिला जी, 51 रुपया देवेंद्र कुमार ग्राम प्रधान खेड़ा शिला जी 1100 रुपया कमेटी को प्रदान किए हैं, कमेटी के हाथ मजबूत किए हैं। और ये 10 रुपया हमारे विशाल वाल्मीकि पवई, इन महान भाव के ओर से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र
मकान तक, पत्नी कहां तक जाएगी? केवल मकान की देहली तक। परिवार के लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया, वो परिवार के लोग बढ़ेंगे, शमशान तक। परिवार के साथी मित्र कहां तक? केवल शमशान तक। बचा कौन? बेटा भी हक निभाएगा, कपाल क्रिया तक। अंत्येष्टि क्रिया हुई, खत्म। तुम्हारा जो वजूद था, तुम्हारा जो अस्तित्व था, वो समाप्त हो गया। इसके आगे तो कहा इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना अकेला रहेगा। और ये दुनिया क्या करती है ये भी बता दो। पाखंड ने दुनिया, पाखंड ने दुनिया भजन बिना का करी है, पाखंड ने दुनिया आ गए। उस पितृ पक्ष में क्या करते हैं?
हमारे पुरखे हैं, हाँ जो कुछ खा जाए। पाखंड ने दुनिया, पाखंड ने दुनिया बजाने बिना सौभाग्य मिला है, तो क्यों ना भगवती के चरणों में चंद पंक्तियों में अपने मन के सुमन अर्पण करें। उर्मैया तेरे चरणों की, देखो सभी लोग माता रानी के भजन को गाएंगे, इसलिए हम बहुत सरल भजन सुना रहे हैं। इसीलिए कि थोड़ा हमारे साथ साथ आपको भी भजन करने का मौका मिल जाए और इसे ये भी पता चल जाए जो हमने इतनी बातें बताई हैं तो कुछ तुम्हारे अंदर गई हैं या नहीं गई हैं। हाँ ये दोनों, हेलो, हाँ हमारे चिल्लावर रुपया ऋषभ भी मैया तेरे चरणों की प्रिय दी धूल जो मिल जाए मैया तेरे भगवती ने, ये
ये हाथ अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए नहीं है कि सुबह शाम केवल भोजन करो। ये माता रानी ने इसलिए भगवान ने दिए हैं, भगवान का भजन हो तो हाथ खोल करके तालियों का। मैया इसकी बरकी बस एक तमन्ना है, मैया तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम भी निकल जाए। मैया के अमल विमल चरणों में क्षत्रिय कुमार लक्ष्मण का कोट से बंधन, कोट से बंधन। सासे उगे सुहावा सीए मोख सरस देख सुख पा।